जानते हैं जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है लोकसभा के चुनाव के लिए लगा है, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो एक स्कीम हमारी गारंटी जो 1500 रुपये महिलाओं को देने की थी, उसको लेकर लगातार जो है भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जो है लोगों को गुमराह करने लगे हैं। अब क्योंकि मामला अब महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, और जब अब लोगों को मालूम हो गया है कि ये जो है भाजपा का एक षड्यंत्र था जिसके तहत जो है लोगों को गुमराह कर रहे थे, तो अब जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया कि इन्होंने इस 1500 रुपये वाली जो गारंटी है उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, जो कि बिल्कुल जो है झूठ है। जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने दल बल के साथ हमारा जो हिमाचल प्रदेश का मुख्य चुनाव अधिकारी है उनके दफ्तर में गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने ज्ञापन दिया और गुहार लगाई कि ये जो 1500 रुपये की जो स्कीम महिलाओं के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने जिसका नाम इंदिरा प्यारी बहना योजना है उसको जो है रोक लगाई जाए। और उस संदर्भ में मैं एक जो उस समय जब जयराम जी और भाजपा विधायक दल के इसमें पूरे जो है सदस्य गए थे वो फोटो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये फोटो में आप देखिए कि जयराम ठाकुर हैं, इनके वरिष्ठ नेतागण हैं और जो विधायकगण हैं ये सब जो है चीफ जो हमारा इलेक्टोरल ऑफिसर है हिमाचल का मिस्टर गर्ग उनके ऑफिस में जाकर 1500 रुपए के लिए जो स्कीम शुरू की गई थी कांग्रेस की और जो लोगों को मिलना भी शुरू हुआ, जो महिलाओं को जो है इसके आवेदन करने की जो है शुरुआत भी हो गई थी और पैसे खातों में भी पहुंच गया था, तो इसको रोकने के लिए इन्होंने पुरजोर कोशिश की। बाद में आपको याद है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम लोग गए और हमने भी जो है चुनाव आयोग से निवेदन किया कि हमारा जो ये स्कीम है 16 मार्च से पहले का है, पहले ये जो स्कीम है अगर आप याद करेंगे तो 15 अप्रैल जब हिमाचल दिवस होता है उस समय माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हमारे जो जनजातीय क्षेत्र जो दूर दराज का इलाका है काजा में वहाँ पर 15 जो है अप्रैल के दिन हिमाचल दिवस के दिन इस योजना की उन्होंने शुरुआत की और वो जो है प्रथम चरण में स्पीति की सभी महिलाओं को जो है इस स्कीम के अंतर्गत लाया गया और बाद में जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में उसमें फिर नोटिफाई किया और इस स्कीम को पूरे हिमाचल प्रदेश की जितने भी पात्र महिलाएं हैं उनके लिए ये जो स्कीम है ये लागू की गई। और चुनाव के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले करीब करीब जो है 48,000 महिलाओं ने इसका आवेदन किया और वो आवेदन लगातार जो है जारी था, परंतु उसको रोकने के लिए ये जयराम ठाकुर और भाजपा के जो विधायक दल के सदस्य जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास गए और उसको रोकने का जो है इन्होंने कोशिश की। परंतु हम चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इस सारे मुद्दे के ऊपर विचार विमर्श किया और जो नोटिफिकेशंस भरे और जो स्कीम है उसकी पूरी हिमाचल सरकार से जानकारी ली और जब तथ्य उनके सामने आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि ये जो है पहले का चला हुआ स्कीम है और हम जो है आवेदन जो है जो पात्र महिलाएं हैं उनसे हम ले सकते हैं। तो आपके